मूवी की शुरुआत में हम टीचर्स के ग्रुप को एक टीचर जिसका नाम एलिजाबेथ है उसे फेयरवेल देता देखते हैं। एलिजाबेथ की शादी होने वाली थी इसलिए वो टीचर की जॉब छोड़ रही थी। वो जब स्कूल से घर आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को उसकी माँ के साथ देखती है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता है क्योंकि वो समझ चुका है कि उसे उसके पैसों से प्यार है और उसने उसके लाखों रुपए कुछ ही दिन में उड़ा दिए हैं और उसे उसका बर्थडे तक याद नहीं है। एलिजाबेथ उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे घर से निकाल देता है। अगले दिन एलिजाबेथ को मजबूरन फिर से टीचर की जॉब पे वापस आना पड़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात एमी नाम की टीचर से होती है। एमी बहुत फ्रेंडली नेचर की है और वो एलिजाबेथ से भी दोस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही घमंडी और बदतमीज है जिस वजह से उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ लिन नाम की टीचर से बात करने लगती है जिससे उसकी दोस्ती है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो टीचर की नौकरी नहीं करना चाहती, वो जल्दी से अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवाना चाहती है ताकि वो और हॉट दिख सके जिससे वो किसी भी अमीर लड़के को फंसा के उससे शादी कर ले। इसलिए वो एक क्लब में अमीर लड़के को ढूंढने जाती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो ज्यादा दारू पीने की वजह से सुबह उठने में लेट हो जाती है इसलिए वो क्लास में टीवी ऑन करके खुद वहीं सो जाती है। इसके बाद वो लंच ब्रेक में कैंटीन चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात रसल नाम के लड़के से होती है जो कि वहाँ जिम टीचर है। वो काफ़ी सालों से एलिजाबेथ को पसंद करता है लेकिन अमीर ना होने की वजह से एलिजाबेथ उसे इग्नोर करती रहती है। इसके बाद एमी वहाँ आ जाती है और वो फिर से एलिजाबेथ से दोस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार भी एलिजाबेथ उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। बाहर उसकी नज़र एक सब्स्टिट्यूट टीचर स्कॉट पे पड़ती है जो कि बहुत अमीर है। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ टीचिंग करने के लिए आया था। यहाँ पे नए होने की वजह से एलिजाबेथ उसे स्कूल दिखाने के बहाने उससे बातें करने की कोशिश करती है और वो उससे ये भी जान लेती है कि वो सिंगल है। ये जानकर वो खुश हो जाती है लेकिन स्कॉट अपनी एक्स की फ़ोटो उसे दिखाता है जो कि बहुत हॉट है। ये देखकर एलिजाबेथ अपसेट हो जाती है और वो अपने ब्रेस्ट की सर्जरी के लिए और भी ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी सर्जरी के लिए उसे $9,000 देने पड़ेंगे। ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था लेकिन एलिजाबेथ हार नहीं मानती। वो पैसे इकट्ठा करने निकल जाती है और वो अपने सभी दोस्तों को फ़ोन करके उधार मांगती है। यहाँ तक कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी उधार मांगती है लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते जिस वजह से वो अपसेट हो जाती है। उसे लगता है कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे। तभी एक दिन उसकी क्लास में एक स्टूडेंट उसके पास आके उसे बताती है कि उनकी क्लास इस वीकेंड कार वॉश करने के लिए जा रही है, अगर वो चाहे तो वो अपनी कार वॉश करवाने आ सकती है। पहले तो एलिजाबेथ उसे इग्नोर करती है लेकिन जब वो स्टूडेंट उसे बताती है कि पिछली बार उन लोगों ने कार वॉश करके 6,000 कमाए थे, ये सुन के एलिजाबेथ शॉक हो जाती है और वो उससे कहती है कि वो भी उनकी टीम के साथ कार वॉश करने के लिए आएगी। लेकिन वो स्टूडेंट उसे बताती है कि हर बार उनकी टीम को एमी लीड करती है। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है और उससे फ्लर्ट करके एमी को अपने रास्ते से हटा देती है और खुद कार वॉश टीम की लीडर बन जाती है। अगले दिन वो कार वॉश करने के लिए बहुत ही हॉट कपड़े पहन के आती है जिस वजह से वहाँ कार वॉश करवाने के लिए लाइन लग जाती है। इस वजह से एलिजाबेथ कमाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है लेकिन एमी उसे ऐसा करते देख लेती है और वो प्रिंसिपल के पास जाके उसे बताती है कि उसे शक है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश से कमाए पैसों से कुछ पैसे अपने पास रख लिए हैं। लेकिन प्रिंसिपल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे $7,000 दिए थे जो कि एमी के कमाए पैसों से ज़्यादा थे। इस बात से एमी एलिजाबेथ से और भी ज़्यादा चिड़े आती है और वो उसे स्कॉट के सामने बेइज्जत करने का प्लान बनाती है। जब क्लास में एलिजाबेथ स्कॉट से बात कर रही होती है तो एमी उनके पास जाके एलिजाबेथ की सर्जरी वाली बात स्कॉट को बता देती है लेकिन एमी का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि स्कॉट उससे कहता है कि उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ को पैसे कमाने के और भी मौके मिलते हैं क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बहुत से पेरेंट्स एलिजाबेथ को उनके बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उसे पैसे देते हैं जिससे एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं चलती क्योंकि विंटर पार्टी में स्कॉट उसे बताता है कि वो एमी को बहुत पसंद करने लगा है। ये सुन के वो डिप्रेस्ड हो जाती है। इसके बाद वो अनजाने में रसल के करीब आ जाती है क्योंकि वो रसल से ही खुल के बात कर सकती थी
और उसे उसके सामने दिखावा नहीं करना पड़ता था। लेकिन रसल अभी भी गरीब था, जिस वजह से एलिजाबेथ उसे बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग से नहीं देखती है और वो अभी भी स्कॉट को पटाने का प्लान बनाती है। इसी बीच विंटर हॉलीडे में उसके एक स्टूडेंट गैरेट ने उसे अपने घर डिनर पर बुलाया था। गैरेट से बात करने पर उसे पता चलता है कि गैरेट उसकी क्लास की एक लड़की रोजी को पसंद करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो रोजी का पीछा छोड़ दे क्योंकि रोजी उसे पसंद नहीं करती है। एलिजाबेथ उसे ये सलाह इसलिए देती है क्योंकि एक टाइम पे वो भी स्कूल की सबसे हॉट लड़की थी और वो ऐसे लड़कों को भाव नहीं देती थी। ये सुन के गैरेट उदास हो जाता है। इसके बाद जब हॉलीडे ख़त्म होते हैं तो स्कूल में स्कॉट एलिजाबेथ और लिन को अपने क्लब में इन्वाइट करता है। इससे एलिजाबेथ फिर से स्कॉट को पटाने का सपना देखने लगती है, लेकिन क्लब में एमी भी आ जाती है जिससे एलिजाबेथ शॉक हो जाती है और फिर स्कॉट एमी के लिए एक सॉन्ग गाता है। यह देखकर एलिजाबेथ गुस्से में लिन के साथ वहां से चली जाती है। उसका गुस्सा तब शांत होता है जब लिन उसे बताती है कि कुछ महीनों में पूरे स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है और जिस भी टीचर की क्लास का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा उसे $5,700 मिलेंगे। इसके बाद एलिजाबेथ स्ट्रिक्ट टीचर बन के क्लास को पढ़ाने लगती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसने साल भर किसी को कुछ भी नहीं पढ़ाया था। लेकिन वो हार नहीं मानती, वो इसके लिए एक रास्ता निकालती है। वो सीधे उस प्रोफेसर के पास रिपोर्टर बन के पहुँच जाती है जो उस टेस्ट का इंचार्ज था। वो उससे फ्लर्ट करके उसे अपने साथ रात बिताने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही उस प्रोफेसर का ध्यान भटकता है एलिजाबेथ उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला देती है और वहां से पेपर चुरा लेती है, जिसके बाद उसकी पूरी क्लास टेस्ट में टॉप करती है और उसे $5,700 मिल जाते हैं और उसके $9,000 का टारगेट भी पूरा हो जाता है। अब वो स्कॉट और एमी का ब्रेकअप करवाने में लग जाती है, जिसके लिए वो एमी को एप्पल से एलर्जी करवाती है जिससे उसका चेहरा खराब हो जाता है। इस वजह से एमी स्कूल पिकनिक में नहीं जा पाती। इस बात से एमी बहुत गुस्सा होती है और वो एलिजाबेथ की डेस्क अपनी क्लास में ले आती है और उसका लॉक भी तोड़ लेती है। वहाँ उसे चोरी किए हुए पेपर मिलते हैं जिसे लेके वो प्रिंसिपल के पास पहुँच जाती है। इस बार सबूत होने की वजह से प्रिंसिपल उससे कहता है कि वो एलिजाबेथ पे एक्शन लेगा, लेकिन उसके लिए उसे उस प्रोफेसर का कन्फर्मेशन लगेगा ताकि वो एलिजाबेथ को पनिशमेंट दे सके। इसके बाद एमी उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बोला तो वो उसे फंसा के जेल भेज देगी। इस बात से प्रोफेसर गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्कॉट का ध्यान अपनी तरफ ले आती है और उसके साथ प्राइवेट मूवमेंट शेयर करती है और उसे रिकॉर्ड करके एमी को भेज देती है ताकि उसे लगे कि स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। लेकिन अगले दिन उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है जब वो गैरेट को रोजी को एक पोएम सुना के प्रपोज करता देखती है, लेकिन रोजी सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देती है। तब एलिजाबेथ को रियलाइज होता है कि वो भी रसल के साथ ऐसा ही कर रही है, वो उसके प्यार को ठुकरा के झूठ की तरफ जा रही है। फिर वो गैरेट को सबके सामने हीरो बनाने का डिसाइड करती है। वो गैरेट को अपनी ब्रा देती है और उसे सबके सामने दिखाने को कहती है। इसके बाद गैरेट सबके सामने जाता है। वहाँ एलिजाबेथ सबको कहती है कि उसने गैरेट को हाई स्कूल की लड़की के साथ देखा है, लेकिन सभी उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। तभी गैरेट सबको ब्रा दिखाता है, जिसके बाद वो उसकी क्लास के लड़कों के लिए हीरो बन जाता है। रसल भी इसके लिए एलिजाबेथ की तारीफ करता है। तभी वहाँ एमी आ जाती है और वो एलिजाबेथ से कहती है कि उसका खेल ख़त्म हो चुका है और वो बहुत जल्द जेल जाने वाली है। लेकिन एलिजाबेथ बहुत शातिर थी, वो अपने दोस्त को कुछ फ़ोटो देती है और उसे उस प्रोफेसर को देने को कहती है। वो उससे कहती है कि अगर उसने गवाही दी तो वो ये फ़ोटो सबको दिखा देगी। और साथ ही एलिजाबेथ को यह भी पता चल जाता है कि उसकी क्लास में डेस्क उसकी नहीं बल्कि एमी की है, क्योंकि एमी अपनी डेस्क से स्टिकर हटाना भूल गई थी। इसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसे पता चला है कि स्कूल में कोई टीचर ड्रग लेती है। इसके बाद पुलिस वहां आ जाती है और उन्हें एमी की डेस्क से ड्रग मिल जाता है जो कि एलिजाबेथ ने ही रखा था। एमी को पनिशमेंट के तौर पर उसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है जो एक छोटे से शहर में था। अब एलिजाबेथ भी बदल चुकी थी और वो स्कॉट का पीछा छोड़ के रसल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।